न मंदिर, न पुजारी, न ही काजी, बिना इनके होता है आत्मसम्मान शादी। क्या है सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान विवाह, जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी दे दी है मंजूरी। इसी विषय पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि आत्मसम्मान शादी क्या होती है। पर आपको स्पेशल बता दें कि यह आत्मसम्मान शादी जो है ये केवल तमिलनाडु विवाह पंजीयन कानून जो है उसके अंतर्गत ही इसको मान्यता मिली हुई है। आप अन्य जो स्टेट है वहाँ के लोग खुश मत होइएगा, क्योंकि ये सिर्फ जो शादी दी गई है ये तमिलनाडु के लिए ही स्पेशल है। क्या है पूरा मामला, उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आयला टॉक्स। वेद है वो शादी जिसमें मियाँ बीबी राजी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पंडित आया था या काजी। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामले में। मद्रास हाई कोर्ट में इला वर्सन नामक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई कर रहे मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि वकील के ऑफिस में किए गए विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। वकीलों के समक्ष किया गया विवाह तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक तमिलनाडु विवाह पंजीयन कानून 2009 के तहत उसे पंजीकृत न कराया जाए। विवाह पंजीयक के समक्ष वर वधू की निजी तौर पर यानी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति हाईकोर्ट ने आवश्यक बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया कि वह वर वधू एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करने की घोषणा किसी भी भाषा में, किसी भी प्रथा के अनुसार, किसी भी रस्म से या किसी भी अभिव्यक्ति के जरिए करते हैं तो वह सामाजिक और कानूनी तौर पर मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अपने फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने जो 5 मई को फैसला सुनाया था उस फैसले को पलट दिया, जिसमें वकीलों के चैम्बर में हुए विवाह को अवैध बताया गया था क्योंकि वहां पर कोई पुरोहित पंडित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने अपने फैसले में तमिलनाडु में 1967 में से प्रचलित स्वाभिमान विवाह कानून पर भी अपनी मान्यता की मोहर लगा दी है। पीठ ने कहा है कि यह कानून उन जोड़ों की मदद कर सकता है जो सामाजिक विरोध या खतरे की वजह से अपने विवाह को गोपनीय रखना चाहते हैं। शादी विवाह के लिए समारोह का होना जरूरी नहीं है। तय विधि पूरी करना, फिर विवाह की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, ये भी आवश्यक नहीं है। एक दूसरे को माला पहनाकर, अंगूठी पहनाकर, ताली बांधकर या तय विधि पूरी कर विवाह की घोषणा या किसी भी साक्षी में एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किए जाने की हामी भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत अधिवक्ताओं द्वारा आत्मसम्मान विवाह कराने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। स्पेशली हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहाँ का, ये तमिलनाडु का। आप ये ना सोचें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तो हमारे यहाँ का है और यहाँ तो ऐसा कोई प्रावधान धारा 7A में दिया नहीं गया है, तो ये तमिलनाडु के हिंदू विवाह अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ताओं द्वारा कराई गई शादियां वैध नहीं है, ये स्वयं रिया थाई या आत्मसम्मान विवाह को संपन्न नहीं किया जा सकता है। हिंदू विवाह तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 1967 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है और ये कानून बन गया। इस संशोधन में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 7A को जोड़कर इसे संशोधित किया है। इसका विस्तार केवल तमिलनाडु राज्य तक है, ये कई और स्टेट में नहीं है। संशोधन करने के पीछे का तर्क ये था कि अनिवार्य ब्राह्मण, पुजारी, पवित्र अग्नि और सप्तपति यानी कि जो 7 फेरे लिए जाते हैं जैसे अनुष्ठानों की आवश्यकता को त्याग कर शादियों को मौलिक रूप से सरल बनाया जाए। धारा 7A आत्मसम्मान पर विशेष प्रावधान से संबंधित है। ये कानूनी रूप से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच किसी भी विवाह को मान्यता देता है, जैसे
स्वयं रियाई थाई या सेर थिरुता विवाह, ये किसी अन्य नाम से संदर्भित किया जा सकता है। आत्मसम्मान विवाह क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह के विवाह रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न होते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को उनकी समझ में आने वाली भाषा में पति या पत्नी घोषित करते हैं। विवाह में मंगलसूत्र, माला या अंगूठी पहनाते हैं। हालांकि ऐसे विवाहों को कानून के अनुसार पंजीकृत करना भी आवश्यक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह जो वकील के ऑफिस में भी कराया जा सकता है, बिना किसी रीति रिवाज के कराया जा सकता हो और बिना किसी पंडित, पुजारी या काजी के किया जा सकता हो, ऐसे विवाहों को कहा जाता है आत्मसम्मान विवाह। लेकिन ये विवाह केवल तमिलनाडु राज्य में है, इसके अलावा किसी अन्य राज्य में नहीं है। तो आपकी आत्मसम्मान विवाह के बारे में क्या राय है? आपको लगता है कि ऐसे विवाह होने चाहिए जहाँ काजी, पंडित, किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, बिना नोटरी, बिना उसके? पर इसमें एक चीज़ और है कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ कराना होगा? विवाह पंजीयन कानून जो तमिलनाडु का है वहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।